अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। और जी, आज सुबह का टाइम था 7 बजे का और मैं बना रही थी नाश्ता, पराठे बना रही थी। 2-3 पराठे तो मैंने बना लिए थे और ये आखिरी पराठा था। और मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो भी साथ में बना लेते हैं। पराठे बना रही थी और साथ में मैंने एक शीरमाल भी बनाना था और आमलेट भी बनाना था। और मैंने कहा चलो पहले पराठे बना लेते हैं, फिर जो है ना आखिर पे अंडे वगैरह बना लेंगे। और जी, सुबह का जो नाश्ता होता है बहुत ही मज़ेदार सा यम्मी सा बनता है, पराठे वगैरह अच्छे बन जाते हैं। पराठे जो है मैं घी में बनाती हूँ, ऑयल नहीं लगाती। और फिर जी यहाँ पे शीरमाल भी बन गया था और साथ में मैंने आमलेट का मसाला भी काट लिया था। मसाला जो है मैं थोड़ा कम बनाती हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं ज़्यादा नहीं खाते, और धनिया वगैरह भी कहते हैं आमलेट में बिल्कुल ना हो, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं डालूं। और इसमें मैंने धनिया डाल दिया था आज। और फिर जी आमलेट हमारा बन के तैयार हो गया, साथ में थे पराठे। और जी आज हमें पता चला था कि सेल लगी हुई है 110 रुपये वाली, और बेटा और जो है ना भाई जा रहे थे सेल पर। मैंने कहा आप देख के हो कैसी सेल लगी हुई है। और फिर जी वो रिक्शे में जा रहे थे सेल देखने के लिए, और साथ में मैंने कहा था कि वीडियो भी ज़रूर बना के लाना क्योंकि हमने लगानी है। और यहाँ पे वो कह रहे थे कि सेल जो है ना बहुत ही अच्छी लगी हुई थी, माशाल्लाह से हर चीज़ थी जिसमें बर्तन थे और कंदूरियाँ वगैरह थी, साथ में ब्रश छुरियाँ हर चीज़ ज़रूरत का जो सामान होता है बच्चों के खिलौने और बर्तन वगैरह, और सिर्फ 110 रुपये में हर चीज़ मिल रही थी। और ये सिर्फ देख के ही आए थे और लिया तो कुछ भी नहीं था, और सिर्फ बेटे ने अपने लिए लंच बॉक्स लिया और साथ में जो है एक छोटी सी गन ली और साबुन वगैरह, और हर चीज़ दुनिया जहान की थी। और कप भी बड़े प्यारे और ख़ूबसूरत पड़े हुए थे, छोटे कप नहीं थे, बड़े कप ज़्यादा बड़े थे। और गाड़ियाँ भी थी, बच्चों के खिलौने वगैरह, गुड़िया वगैरह और गाड़ियाँ वगैरह भी थी। और बर्तनों में भी काफ़ी बर्तन लगे हुए थे, लेकिन बर्तन जो है एक किस्म के नहीं थे, एक जैसे बर्तन नहीं थे, जैसे 6-6 बर्तन तो होते हैं। और फिर यहाँ पे देख के जी वो वापस घर की तरफ आ रहे थे और कह रहे थे कि बहुत अच्छी लगी हुई थी। अल्लाह हाफिज़।